देख रहे हैं ब्रेकिंग प्लस न्यूज आम जन। जनपद शामली के केराना लोकसभा सीट से स्वर्गीय सांसद हुकम सिंह की रस्म 13वीं पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ मंत्री सुरेश राणा, मंत्री धर्म सिंह सैनी के साथ कई मंत्री उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। सांसद हुकम सिंह का निधन 3 फरवरी को हुआ था। सांसद हुकम सिंह का निधन नोएडा के जेपी हॉस्पिटल में हुआ था। सांसद हुकम सिंह फेफड़ों की बीमारी से लंबे समय से ग्रसित थे, जिन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके चलते उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस ली। आज केराना स्थित मायापुरी फार्म हाउस पर रस्म 13वीं के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम सहित प्रदेश के दर्जनों बड़े नेता भी कार्यक्रम में पहुँचे थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद की घटना पर कहा कि जो आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है और प्रदेश में किसी भी प्रकार से अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मायावती के प्रदेश में बढ़ रही हिंसा पर आरोप में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमें मायावती के किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है और आंकड़े इसका प्रमाण बताते हैं। पूर्व की सपा व बसपा सरकारों से आपराधिक का पालने का काम किया जाता था, लेकिन इस सरकार ने आरोपियों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। वहीं सहारनपुर में शहीद के पिता के द्वारा आत्मदाह की चेतावनी दिए जाने पर केशव प्रसाद मौर्य ने आरोपी पुलिस प्रदेश महामंत्री अशोक कटारिया जी बात कही। उन्होंने हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज चौधरी जी सदस्य उत्तर प्रदेश, उनकी ओर से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। पीड़ितों की हत्याएं हो रही है, सरकारें क्या कर रही है? अपराध पर नियंत्रण किया गया है, कहीं पर भी कोई घटना घटी है, घटना के दोषियों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया, उनको कड़ी सजा दिलाने का काम किया जाएगा। जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, उस घटना के सभी दोषी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और कठोर दंड दिलाने का काम। मैं आरोप लगाया बीजेपुर में शहीद की एक जैसे शहीद की सव आया वहाँ पे और पुलिस वालों की लापरवाही को देखने को लेकर उसके पिता ने शहीद के पिता ने आत्महत्या की धमकी दी, उसमें क्या कहेंगे कि जिस तरीके से पुलिस का रवैया लापरवाही करेगा? थोड़ा नीचे कर ले। हम देश के लिए पहचान होने वालों का ही नहीं, देश के एक एक नागरिक का और उत्तर प्रदेश में तो एक एक नागरिक के सम्मान का हमें ध्यान है, अगर कोई लापरवाही करे। अच्छा, मायावती जी ने आरोप लगा है बीजेपी सरकार जो है हिंसक होती जा रही है, प्रदेश में हिंसा बढ़ रही है, क्या हो गया? का प्रमाण पत्र हमें नहीं चाहिए, जिसमें शासन काल में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हुई है और सपा बसपा की सरकार में अपराधियों को संरक्षण होता था, हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आंकड़े इसका प्रमाण।